दोस्तों वेलकम टू आवर चैनल। तो बहुत ही ज्यादा बड़ी गुड न्यूज आ चुकी है। एएलपी टेक्नीशियन में एएलपी की जो वैकेंसी थी वो तो पहले आ चुकी थी, लेकिन अभी आप देखेंगे यहां पे टेक्नीशियन की वैकेंसी भी आ चुकी है और आपकी जो एप्लीकेशन है वो 9 मार्च से फिल होना स्टार्ट होंगी। आप जो अपना फॉर्म है वो 9 मार्च से भर सकते हैं और 8 अप्रैल तक आप फॉर्म फिल करेंगे। और ये एक बहुत ही ज्यादा अच्छी न्यूज आई है। यहां टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल को जो है लेवल 5 में डाल दिया गया है और यहां पे 29,000 मतलब ये 2800 ग्रेड पे की जॉब हो गई है और यहां पे 18 से 36 साल के लोग इलिजिबल हैं और 1100 पोस्ट आप लोगों की रहने वाली है, जो बहुत ही अच्छी वैकेंसी मानी जाएगी। आप देखना पड़ेगा। भाई के पास मतलब आपके भाई के पास ज्वाइनिंग लेटर्स की कमी नहीं है। एक ज्वाइनिंग लेटर ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। कह रहे भैया बहुत डिफिकल्ट है ये चैप्टर, तो हो ही नहीं पा रहा। भैया ये तो बहुत ज्यादा टारगेट हो गया। ये तो इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो क्या रखी जाती है, वैसे इनकी क्वालिफिकेशन मैक्सिमम इन पोस्ट के लिए जो होगी वो आप लोगों की आईटीआई ही रहने वाली है। लेकिन हो सकता है कि इस पोस्ट के लिए, क्योंकि ये सिग्नल एंड टेलीकॉम की पोस्ट है, क्या पता 12th पीसीएम वाला भी एलिजिबल हो जाए, या फिर इसमें आप लोग 2800 ग्रेड पे की पोस्ट को देखते हुए ऐसा भी कर सकते हैं वो कि डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल कर दें या बीटेक वालों को भी एलिजिबल कर दें। अभी बाकी चीजें देखेंगे। मेडिकल स्टैंडर्ड B1 है और ये जो पोस्ट है ये आप लोगों की 8000 के करीब मतलब 7900 पोस्ट है। ओवरऑल पोस्ट 9000 आप लोगों की है, जो बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज है। इससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज दिखाता हूं यहां कि आप इसमें देखेंगे कि 3 साल का एज रिलैक्सेशन आप लोगों को दे दिया गया है। अब आप लोगों को किसी बात की कुछ नहीं करना है, ये आप लोगों का 3 साल की एज रिलैक्सेशन भी मिल गई है। एज जो है वो 1/7/2024 से काउंट हो रही है। इसके अलावा आप बाकी चीजें देख सकते हैं। कैंडिडेट वेटिंग फॉर रिजल्ट्स ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन शुड नॉट अप्लाई, आप लोग नहीं अप्लाई करेंगे। मेडिकल स्टैंडर्ड आप नोटिफिकेशन के अंदर देखेंगे। रिजर्वेशन एंड सुइटेबिलिटी ये सारी की सारी चीजें यहां पर दी गई है। लेकिन अब मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो निश्चित तौर से बहुत ही बेहतरीन चांस आप लोगों के पास है और आप इस एग्जाम को बहुत ही अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। आपको सिर्फ इतना सा करना है कि या तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए या फिर किसी और के साथ टीचर के जरूर से जरूर जुड़िए। उससे यह फायदा रहेगा कि आपकी रेगुलरिटी मेंटेन होगी और आप एएलपी में सिलेक्शन लोगे। अगर एएलपी में नहीं ले पाए तो टेक्नीशियन में लोगे और टेक्नीशियन में नहीं ले पाए तो ग्रुप डी में लोगे। सबका सिलेबस लगभग सेम है, बस छोटे छोटे चेंजेस हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो बड़ी ही आसानी से हैंडल हो जाएगा। तो जो लोग भी टेक्नीशियन की तैयारी करना चाहते हैं वो निश्चित तौर से ये बैच एएलपी के साथ आप लोगों की चीजें स्टार्ट हो रही हैं और बिल्कुल जीरो से ये बैच रहेगा। आप लोग ज्वाइन करना चाहें तो निश्चित तौर से ज्वाइन कर सकते हैं, मैं इन डेप्थ भी वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल आप लोगों को बस ये बताना चाह रहे हैं कि ये आपकी जो वैकेंसी आई है ये आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी लेके आ गई है। आप लोगों के सामने है, आगे मैं इन डेप्थ आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा कि किस तरीके से आप आरआरबी टेक्नीशियन को भी बहुत अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं। बाकी चीजों के लिए आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना होगा कि किस तरीके की चीजें हैं। अगले 1 से 2 दिन के अंदर आप लोगों को वो चीजें भी देखने को मिल जाएंगी। फिर ये CN02/2024 ये देखिए, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा जिसमें पूरी की पूरी सीटें दी हुई होंगी कि कहां पे कितनी सीट्स हैं। तो निश्चित तौर से बहुत ही जल्दी आपको ये चीजें मिलेंगी। एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी प्रोविजनल बेस्ड ऑन द डिटेल फर्निश्ड बाय द कैंडिडेट्स इन द एप्लीकेशन। कैंडिडेट मस्ट सेटिस्फाई देमसेल्व्स दैट, ये सारी चीजें हैं वो बाद की बातें हैं, जैसे ही चीजें आएंगी वो सारी की सारी चीजें तभी क्लियर होंगी। फिलहाल मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखें। अगर आप बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो निश्चित तौर से ज्वाइन कर सकते हैं, ये स्टार्ट होने जा रहा है। वेट करना नहीं है क्योंकि सिलेबस सेम है। जब ये चीज स्टार्ट होने जा रही है बिल्कुल जीरो से, अभी स्टार्ट भी नहीं किया है, इसीलिए रुके थे कि आप लोगों के यूपी पुलिस वाले बच्चे भी कह रहे थे कि उनका एग्जाम हो जाएगा। अब पूरी तरीके से इसे जीरो टू हीरो तक लेके चलेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर। फिलहाल ये इंफॉर्मेशन आप लोगों को देनी थी।